So we were doing questions related to the chapter Understanding Quadrilaterals, and we were doing 12.1 of ML Agarwal, right? We had done till question number 9. Now we are at question number 10. So in this, you have to find the measure of angle X. Yes, Nikhil, can you tell me how will I found the value of X in this? How can I find that? Yes, but in first part. 110 plus 50 plus okay. 90 plus x is equal to 360. Okay, how? Matlab, why? Mm exterior angle. 360 degree. Yes, the jitne bhi aapke exterior angles honge, wo kya hote hain? Unka sum kya hota hai, beta? It is equal to? x 110 degree hai. Okay, 110? 0. Very fine, plus 50, very good. Chale beta. Now, you have to tell me, the next question is, you have to find the number of sides of a regular polygon if each of its exterior angle has a measure of 24 degrees. Ab aapko kya given hai? Exterior angle given hai. Theek beta. Ab aapne kya calculate karna hai? You have to tell the number of sides. Ab what is given? Ye jo hai aapka. N minus 2 into 180 upon N is equal to 24. नो बेटा, ये आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है, इट इज नॉट इंटीरियर. ये देखो, ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल. ओके, आपने क्या कैलकुलेट, इंटीरियर एंगल निकालेंगे पहले. ओके, हाँ जी, एटी से माइनस करके. यस, या फिर आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो. वो क्या फॉर्मूला होता है, देखो, एक्सटीरियर एंगल जब आपने कैलकुलेट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, 360 डिग्री, राइट? वो तो 360 आ जाएगा. Yes, Nikhil, calculate the next part, bit of 72 degrees. And 5? Yes, it is 5. Okay. Three 60 over exterior angle, which is 72, so it will be 5. So it is a pentagon. Okay. Next is, find the sum of measures of all the exterior angles of a polygon of 9 sides. Yes, beta. 9 sides hain. So, aapko na sare exterior angles ka sum nikalna hai. Yahan pe na ye word reh gaya, misprint hai. It is regular. तो ये तो 360 है,
चलो अब हम कनेक्शन और ये नंबर ऑफ साइड ये कैसे करना देखो हाय से मैं यहां फिर और चले तो कैसे कि तो समझ अब ओके क्लियर है लेफ्ट बट मैं नहीं कर सकता आई सेम लेफ्ट can be exit yeah exit yeah so you have to click on it and then 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 you बात आती है वो हमारे टोटली क्वाड्रिलेटरल्स हैं तो बनने पड़ेंगे तो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो शब्दों से पढ़ेंगे हम काइट हो सकते हैं काइट हो सकता है बिल्कुल यस इट इज काइट देन और भी होते हैं शेप्स अरे नो बेटा पेंटागन तो फोर साइडेड फिगर हो गई ना राशि एक मिनट रुकना बेटा It is rhombus, trapezium, right? ये भी तो क्या है quadrilaterals ही हैं, right? Yes. है ना तो आपके trapezium, rhombus, right? चलिए अब हम बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल देखो बेटा अब ये स्क्वायर है इस तरफ मैंने रेक्टेंगल बनाया है अब स्क्वायर की खास बात क्या होती है सबसे पहले खास बात होती है कि इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल है राइट ऑल द साइड्स आर इक्वल राइट हम सबको क्या नाम दे देते हैं ए नाम दे देते हैं राइट और सेकेंड बात क्या इंपॉर्टेंट होती है कि सारे के सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री राइट देन अब जो इस जगह पर ऑब्जर्व हैं राइट पर्टिकुलर बाय पर्टिकुलर जो एक और एक और डायरेक्ट राइट बस में दे रहा है ठीक है करेक्ट कोई गलती खाली है राइट मैंने बोला है डिटेल में ये बैठ के ये भी कोई इसलिए सही है अब डबल डबल और बात कोई चेंज कर क्या किसी का नहीं ठीक है पीपल्स पे एक बहुत अच्छा है ना कोई सही सही रहने में सिर्फ ऑब्जर्व है ठीक है बट अब आप वो डबल और प्रो बदल सकते हैं ना कोई आप और properties yes note down the properties one minute please okay yes ma'am ओके निखिल आपने नोट डाउन कर ली बेटा यस मैम ओके क्या नोट डाउन किया एक बार फटाफट से मुझे रिवाइज करवा दो ऑल साइड्स आर इक्वल यस किस केस में एंड द ट्रायंगल्स ऑफ स्क्वायर के केस में ओके बेटा एंड द ट्रायंगल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओके फाइन वेरी गुड नेक्स्ट rectangle में all sides are not equal और उसमें भी वही था diagonals are perpendicular bisector they are not perpendicular bisector rectangle के केस में नहीं होते अरे हाँ ठीक है हाँ
मनन, आपने नोट डाउन कर ली बेटा प्रॉपर्टीज? मुझे बताओ आउट ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल विच वन हैज गॉट इट्स डायगोनल एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? रेक्टेंगल. Perpendicular bisectors are the square one. You have not noted down actually. Am I right? Yes, na? चलो अब है parallelogram. Parallelogram, इसका word ही हमें बड़ा कुछ बता रहा है. Parallel. एक तो इसकी opposite sides जो होती है ना वो एक दूसरे के parallel होती है. Parallel मतलब like this. ये कभी भी आप इसको endlessly meet करते रहो ये कभी भी नहीं meet करेंगे क्योंकि ये इनके बीच का जो distance है वो हमेशा same रहता है. इसी तरह AB is parallel to CD. Okay? Just a second. Okay बेटा? Clear? Next, आपका जो ये opposite sides है ना बेटा, they are equal also. ठीक है? मतलब एक तो ये parallel होती हैं, दूसरा they are equal. मतलब इस केस में जो ए बी है तो ए बी जो है वो सीडी के बराबर होगा, ए बी है वो बीसी के बराबर होगा, राइट? ठीक है बेटा. सो ए बी and AD is equal to BC, right? अब बेटा इसमें क्या होता है, जो इसकी diagonals हैं, they are each other perpendicular. तो इसकी कैसे वाली feature हो गई, इसकी square वाला feature, right? Square में भी ऐसी होता है, जो आपके diagonals होती हैं, they bisect each other, right? ये bisect भी कर रही हैं और 90 degree पे कर रही हैं. और एक चीज थोड़ी बात है, वो एक और है, वो क्या है? कि आप इस डायगोनल को देखते हो ना, मैंने सपोज करो बी और डी बन गया, ठीक है, तो एक ट्रायंगल बन गया और ये बन गया. अब ये साइड इस साइड के बराबर, राइट? ये साइड के बराबर है. ओके, तो क्या मतलब तीसरी साइड कॉमन है, तो कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए? एस एस एस. तो आप कोई भी डायगोनल से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है. एक बात और है कि जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं. मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, ठीक है बेटा, और ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा, ठीक है बेटा, ऑपोजिट एंगल. और जो एडजेसेंट होते हैं वो को इंटीरियर पे बनाते हैं. मतलब जैसे एंगल ए और एंगल बी है, वो एडजेसेंट एंगल बन जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, ठीक है बेटा. ये प्रॉपर्टीज होगी. हाँ जी, आप करो फटाफट से पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज करो. अब हम बात करते हैं हमारे रोम्बस के बारे में, ठीक है बेटा. रोम्बस जो है ये बड़ा सिंपल सा है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक तो सारी साइड्स जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है. ये इसकी खास बात होती है कि इसकी सारी साइड्स जो हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक. जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं, ये वाला टोटल, ये वाला टोटल, फिर ये वाला टोटल, ये वाला टोटल, ये क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, डायगोनल जो है वो मिड पॉइंट पे क्रॉस करती हैं, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. तो एक तरह से ये स्क्वायर ही होता है, सिर्फ इसकी शेप हम टेढ़ी कर देते हैं, राइट? हम स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, राइट? अगर हम इसके वर्टिसेस ऊपर नीचे कर दें तो वो ऐसे दिखेगा. एक सेकेंड,
ठीक है, समझ गए ना, अभी ये ड्रॉ नहीं हो रहा है मेरे से, तो आई विल जस्ट स्किप दिस थिंग, ओके राइट। चलो अब मूव ऑन करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको सारी? यस मैम। ओके चलो अब हम बात करेंगे काइट के बारे में। काइट तो देखी होगी सबने। यस मैम। ठीक है, अब काइट जो होती है, काइट शेप में क्या है, जो उसकी एडजेसेंट साइड्स होती है ना, वो तो होती है इक्वल, राइट। तो दो पेयर जो है वो कंसेक्यूटिव साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट बना देते हैं। ठीक है बेटा, डायगोनल्स इसकी परपेंडिकुलर होती हैं, ओके। सिर्फ जो नॉन वर्टेक्स एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो ये दो एंगल्स जो हैं वो ट्राइंगल्स आपके बिल्कुल ठीक बनते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होता है इसमें मेन आपने क्या चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपके एडजेसेंट साइड्स हैं ए बी और ए डी ये बराबर है, बी सी और सी डी ये बराबर, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये बिल्कुल सेम होगी। यू हैव ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें यू हैव टू पेयर ऑफ लाइंस, जिसमें से एक पेयर ऑफ लाइन तो पैरेलल होता है, राइट। जो ये ए और बी वाला है, हम फॉर्मूला में भी करते थे ना बेटा, ये वाली लाइन तो है पैरेलल, राइट। लेकिन ये साइड होती है पैरेलल नहीं, और इसमें एक खास होती है क्योंकि ये पैरेलल है, तो इसका इस एंगल और इस एंगल कम है, वो क्या आता है, निखिल 180 डिग्री क्यों आया बेटा? मैम बिकॉज़ इट हैज नो मनन, इन दोनों एंगल्स का सम 180 क्यों आया? यस बेटा, बिकॉज़ दे आर फॉर्मिंग, मैम बिकॉज़ दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल एंड दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, ओके। अब आता है आइसोसेलस ट्रायंगल। इसमें क्या रहता है, आइसोसेलस का मतलब ये है कि आपके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, और जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल आती हैं। इस बात का ध्यान रखना, आइसोसेलस में क्या होता है, ओके बेटा। अब बेटा मैंने ये एक आपके लिए चार्ट बनाया है जिसमें आपको मैंने सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कंपेयर कर दी है, राइट। अब इसमें आप देखो, साइड्स के बेस पे अगर आप देखते हैं, हम सारी साइड्स इक्वल देखो किस किस के केस में है। निखिल आर यू एबल टू सी दिस? यस मैम। ओके देखो, रेक्टेंगल के केस में नहीं होती, राइट, स्क्वायर के केस में होती है, राइट, पैरेललोग्राम में नहीं होती, रोम्बस में होती है, ट्रेपेजियम में भी नहीं होती, राइट, ऐसे ही होता है ना। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो सब केसेस में है एक्सेप्ट योर ट्रेपेजियम, राइट। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट, इसमें सब केसेस में है अलोंग विद ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में भी एक पेयर ऑफ लाइंस जो है वो होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में ओनली वन पेयर। ठीक है बेटा, देन ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये आपका रेक्टेंगल स्क्वायर के केस में ही है, बाकी किसी के में भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये सब ठीक है, sum of two adjacent angles is 180, ये ठीक है, trapezium में नहीं होता, सिर्फ isosceles trapezium में होता है, trapezium में नहीं होता, right? Diagonals they bisect each other, सबके केस में ये चीज है, लेकिन trapezium के केस में नहीं आता। जो diagonals है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, rectangle में नहीं काटते, square में काटते हैं, right? और parallelogram में they bisect each other at 90 degree, yes? और rhombus में भी करते हैं, trapezium में नहीं करते। ओके, एरिया और पेरीमीटर अभी इस दिस मोमेंट पे हमें नहीं करने की जरूरत, बट आई नो कि आपको वो आता है। ठीक है, ये भी आपको, ये देखिए, ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, एंड आई थिंक ये हम सारी रिवाइज कर चुके हैं। ओके बट आई होप ये प्रॉपर्टीज में आपको दिक्कत तो नहीं है। यस निखिल? नो मैम। है ना, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ। Just a second, let me reach the exercise.
okay. So here we start examples. आपको perimeter calculate करना है and the figure given is a parallelogram. P, Q, R, S, and what is given is आपको P क्या है वो दिया है सेंटीमीटर ओके और एक सेकंड रुकना बेटा ये आपको दिया है 15 सेंटीमीटर ओके और ये दिया है 7 सेंटीमीटर ओके बेटा Now you have to calculate the perimeter. अब बेटा perimeter कैसे calculate करते हैं? मनन? हाँ जी? M two into h plus b. बेटा हम इसमें ना parallelogram से हमने करना है और हमें ना properties use करनी है बेटा. निखिल आप मुझे बताओ perimeter निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? We need to have all the sides. Yes. Because it's basically yes, our sum of all sides. So हमारे पास सारी sides को है नहीं. तो मुझे ये बताओ parallelogram की कौन सी ऐसी property है जिसके हिसाब से मेरी ये दो sides हैं. PQ. Yes. मैं PQ is parallel to SR. So it is also equal to SR, right? तो ये भी 15 centimeter बन गई. और ये जो है वो इसके बराबर होगी, right? तो this will be 40 meter. Yes. So it will be yes, Manan. And 42 centimeter. Okay. So it will be 7 plus 15 plus 15 centimeter. So it will become your, yes, 44. Look. Ab beta, yahan pe na perimeter aayega. Ab aapko same wahi hai, ek parallelogram hai, theek hai? Uski adjacent sides ka ratio diya hua hai. राइट एडजेसेंट साइड मतलब ये और ये तो 4:5 राइट तो हम लिख लेते हैं 4x:5x अगर ये 4x है तो ये भी 4x होगा राइट ये 5x है तो ये भी 5x होगा निखिल ऐसा क्यों मैम बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल यस मैम आप इक्वल वर्ड भूल रहे हो पेरीमीटर आपको गिवन है 54 So it will become 18x is equal to 54. So x is coming out to be 3. So that means sides are ek to ho gayi 4x which is equal to 12 centimeter aur ek ho gayi 5x which is equal to 15 centimeter. Yes? Now again you have been given a figure. Ek aapko parallelogram given hai. एक सेकेंड रुकना बेटा यस तो ये एक आपको पैरेललोग्राम गिवन है बेटा दिस इज बी दिस इज ई दिस इज एस एंड टी दिस इज एक्स ओके This one is Z, this one is Y, this becomes 100. So now you have to find the value of X, Y, Z. Okay, beta, X, Y or Z, hume sara kuch nikalna. Yes, beta. Manan. Kaise? Yes, beta. Which value will you take out first? Ab ye dekho na, parallelogram hai. To parallelogram ki properties ko aap le aao mind mein. Yes. मुझे बताओ पहले 100 डिग्री और x इक्वल होंगे यस निखिल वाई बेटा मनन मुझे कहते बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट आर इक्वल यस ऑपोजिट वेरी गुड एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल यस वेरी गुड नेक्स्ट मनन एंड फिर हम ये टू नहीं है ये जेड है ठीक है जी वेरी गुड
So 100 plus z जो है that will be 180. निखिल आप मुझे reason दे सकते हो? Yes, opposite sides are equal. ये क्या है? Adjacent angles हैं. Adjacent angles they form a co-interior pair of angles. Okay? So ये क्या है? Co-interior pair of angles. Right? Clear? Yes. तो z आपका आ गया 80 degree. Okay? तो x आपका आया 100 और z क्या आ गया 80. Yes? Now how will we calculate time? ये ध्यान रखना. ये भी parallel है. और आपका ये सेट ऑफ कंडीशन, ये सेट ऑफ लाइंस भी पैरेलल है. यस मनन, कैन यू स्ट्राइक दैट? कॉरस्पोंडिंग एंगल्स. यस, वेरी गुड. को इंटीरियर एंगल्स. किसका को इंटीरियर? कौन कौन? हंड्रेड और एक्स. हंड्रेड और एक्स. आपने तो इक्वल बताया. हंड्रेड और वाई. यस, हंड्रेड और ये देखो ना, या तो आप इसको और इसको इक्वल कर दो. 100 और z, सॉरी ये देखो z की बात कर. हाँ, वो तो हो गया ना. अब ये देखो ना, ये z बन रहा है. एक तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर जैसे निखिल बता रहा है x और y जो है वो सेम हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. नाउ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना था? 100. यस, टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है मनन? यस. ओके, चलिए. So now we move on to the next. एक सेकंड. Okay. Again, you are given a parallelogram. Let me draw. This will not be a very good parallelogram. So kindly adjust. Right, this is a parallelogram ring R I N G, and we are given angle R. Yes, R is 70 degree. Now we have to find all the angles. Yes, angle I, angle N, angle G. Ma'am, angle R and angle N will be equal. Yes, very good. And then ma'am, using co-interior angles, you can find I by using N, and then I is equal to G. Yes, बिल्कुल ठीक है. Then I will be 110. Yes, very good. So angle R plus angle I. Maran, what reason should I write, beta? Co-interior. Yes. Now, angle I is equal to angle G, right? And it will be 110 degrees. Why? Opposite angles of a parallelogram are equal. Right? Now we will do the next question. Okay, again a figure is given. Sorry, let me draw a parallelogram. Okay, so it is given A, B, C, and D. Okay, there's a diagonal going out like this. This becomes E. This is the outside angle y. Okay, it is given to be 120. Then it is given to be 50, and this is z. Now this is given to be 3x minus 1 centimeter, and this is given to be 2x plus 2 सेंटीमीटर. ओके, हमें एक्स वाई जेड बताना है.
देखो बच्चे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि x के केस में आपका क्या फंडा लगना है. x के केस में द थिंग यूटिलाइज विल बी कि जो आपका ये है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो दैट मींस 3x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 2. ओके, सो ये इधर आ जाएगा, 3x माइनस 2x विल बी इक्वल टू 3. So, x comes out to be 3. x तो आ गया हमारा. अब हम बात करते हैं z की. पहले z कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम y देखेंगे. ठीक है बेटा. ओके, अब ये वाला टोटल एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, राइट? तो ये क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर 120 प्लस 50 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. यस, इट विल बी 10 आई थिंक. यस मैम. तो ये तो आ गया को इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स, राइट? तो z हमारा क्या आ रहा है? 10 डिग्री. अब ये देखो आप, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा. और क्यों होगा 10? ऑल्टरनेट इंटीरियर. यस, हम उसको एंगल 1 मान लेते हैं. हाँ जी, एक्सक्यूज मैम. हाँ जी बेटा, z 10 होगा. ये 170 नहीं हो गया बेटा? 120 प्लस 50. यस मैम, राइट? यस मैम. एंगल 1 प्लस, सॉरी, एंगल 1 प्लस नहीं, equal to z is equal to 10 degree. Q alternate interior angles, right? Now ab y calculate karne ke liye what we will do, z plus y is equal to 180 degree. Ab ye kyun hai? Linear angle property. Yes, so aapka y jo hai it will be 170. Yes, clear? क्लियर है बेटा? यस मैम. यस मैम. अब इसमें देखो, हमने ऑपोजिट साइड की प्रॉपर्टी भी यूज कर ली, ऑपोजिट एंगल की भी यूज की, अल्टरनेट इंटीरियर भी यूज किया और को इंटीरियर भी यूज किया, राइट? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसमें भी आपको फिगर गिवन है. जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट ड्रॉ द फिगर, देन वी विल डू. ओके, सो इट इज गिवन, इट्स अ पैरेललोग्राम, राइट? Help parallelogram. So H E L P. Okay. Now its diagonals are joined. Okay. At point O. Now it is said O E is 4 centimeter. Okay. ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा. OP is equal to 4 सेंटीमीटर. यस, और HL जो है वो PE से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो HL क्या हो गया? 5 प्लस 8 व्हिच कम्स आउट टू बी 13 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड OH. ठीक है, अब हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, दे आर एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो इसका मतलब HL जो है, अगर आप HL को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको OH जो है वो मिल जाएगा. सो देयरफॉर OH इज इक्वल टू 13 बाय 2 व्हिच इज 6.5 सेंटीमीटर. ओके, यस, क्लियर? अब बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज प्रूविंग क्वेश्चन. तो आपने इसको ना ट्राई करना है घर पे एक बार. इसको आप लिख लो क्वेश्चन को, लिखे क्वेश्चन इज प्रूव दैट इफ बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. इसको सिर्फ आप एक बार ट्राई करके देखना. एंड सेकेंड होमवर्क इज कि आपने जो हमने जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स किए हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज को आपने अच्छे से टेबुलर फॉर्म बना के लिखना है. ठीक है? यस मैम. पक्का? यस मैम. ठीक है. अच्छा, अभी तक आपका जो भी आपने यहाँ पे किया वो क्लियर हो गया बेटा?